बिजली चोरी करना एक दंडित अपराध है। इसमें आपको सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, अथवा दोनों हो सकते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस बस ये है, जो हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनको संन्यास में ये जान लाना चाहता हूँ कि जो हमारे शहर व दुकानों में, घरों में, रूमों में कुछ इस तरीके के होते हैं जो आप जो कनेक्शन करके चोरी करते हैं, तो कुछ इस प्रकार चोरी करते हैं दोस्तों, करने वाले बिजली चोरी करने वाले कुछ इस प्रकार करते हैं। मैं इस वीडियो में कनेक्शन करके दिखाऊंगा आपको दोस्तों। ज़्यादातर हमारी ये MCB आइसोलेटर है, इसकी बजरिया से बहुत सारी चोरी होती है। ये 3-पिन टॉप है, ठीक है गाइस। तो हम मीटर में सबसे पहले इजीगल, जो हमारे इजीगल कनेक्शन है, वो कनेक्शन करते हैं इसमें। मीटर के कनेक्शन तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। मैंने, अगर आप नहीं जानते तो मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ से आप वीडियो कनेक्शन देख सकते हैं, मीटर के कनेक्शन किस तरीके से करे जाते हैं। ये फेज़ वायर है दोस्तों, मैं फेज़ वायर लास्ट वाले टर्मिनल में फेज़ वायर जोड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसको टाइट कर देंगे, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, मतलब अर्थिंग वायर होती है। इसको हम इस वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये MCB है, MCB कनेक्शन मैंने एक वीडियो बना के रखे हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस पे देखिए, यहाँ लिखा होगा, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, लाइन है, यहाँ पर लोड है। तो हम पहले लाइन देंगे इसमें, तो मैं इसको खोल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो फेज़ वायर को हम इस वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे और इसको टाइट कर देंगे दोस्तों। अगर आप लाइट का काम जानते हैं, बिजली का काम जानते हैं, तभी ये काम करें, अन्यथा ना करें। ये बहुत जोखिम है, इसमें जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। बहुत सावधानी से काम करना है दोस्तों। मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है गाइस। ये कनेक्शन तो आप देख चुके होंगे, ठीक है गाइस। यहाँ से मैंने इस MCB में कनेक्शन दे दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो रूम का जो लोड होगा, रूम का हो गया, दुकान का या किसी और चीज़, मकान का जो भी लोड है, हम उस लोड को इसमें कनेक्ट कर देंगे। और लोड के लिए मैंने ये मीटर लगा दिया है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये मीटर मैंने इसमें लगा दिया है। ये दो वायर इस मीटर की हैं, इस मीटर को खोल के फेस वायर हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। और अर्थिंग के वायर हम इसमें कनेक्ट करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ये तो ईगल, मतलब नॉर्मली कनेक्शन है दोस्तों, इसमें कोई खास इस तरह का कनेक्शन नहीं है जो चोरी करेगा। इसमें कोई चोरी करने वाला कुछ नहीं है। मैं चोरी करने वाला भी बताऊंगा आपको किस तरीके से चोरी करने वाले चोरी करते हैं, ठीक है गाइस। ये तो नॉर्मली कनेक्शन हुए, ये मैं दो बिजली की मेन वायर ले लेता हूँ, इसको मैं इस टर्मिनल में कनेक्ट कर लेता हूँ।
सप्लाई देने के लिए। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने मेन वायर जोड़ दिए हैं, ये लोड है हमारा, शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे, ये लोड है, ये एमसीबी बॉक्स है, ये हमारा रूम का लोड है। ठीक है गाइस, मैं इसके कनेक्शन करके मैं इसको चालू करके दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से ये कनेक्शन होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारा 3-पिन टॉप है, इस टॉप को खोल लेते हैं। फिर टॉप खोलने के बाद इसमें हम कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कर देंगे। ठीक है फिर, ये मैंने कस लिया है। हम इसकी जो 3-पिन टॉप है, 3-पिन टॉप की ये वायर जो होंगी वो हम लाइट से डायरेक्ट जोड़ देंगे, मतलब मीटर में जो हमारा सप्लाई वाली जो लाइन है उस लाइन में हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है गाइस, ये सप्लाई की लाइन है हमारी, इसको हम खोल लेते हैं। इसमें हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा मीटर भी ऑन रहेगा और रीडिंग नहीं देगा, बस हमारा लोड जो नहीं पड़ेगा, लोड हम जो डायरेक्ट बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे इसको। तो मित्रों आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मीटर है, यहाँ से मैंने 3-पिन टॉप कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ से मैं अगर इसको सप्लाई, देखिए सप्लाई है, मैं सप्लाई इसमें दूंगा, उसके बाद ये सप्लाई की वायर देख सकते हैं आप, ये मैं सप्लाई दूंगा, मीटर हमारा ऑन हो जाएगा, एमसीबी उठाऊंगा तब ये ग्लो हमारा करने लगेगा। ठीक है, अगर अगर आपको चोरी करना है तो इसको बंद कर देंगे, इस तरीके से ऑफ़ करने के बाद एमसीबी, इसको 3-पिन टॉप को हम डायरेक्ट लगा देंगे इसमें, तो हमारा ये मीटर भी वर्क करने लगेगा दोस्तों, मीटर पर हमारा लोड नहीं आएगा, हमारा ये रूम का जो कनेक्शन है वो वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।